अस्सलाम वालेकुम, मैं फाखरा फ्रॉम इमामाज ब्यूटी पार्लर। उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। आज की वीडियो जो है वो रिलेटेड है किसके, रिबॉन्डिंग के। पार्ट थ्री है वीडियो का। तो पहले पार्ट्स में जो दो पार्ट्स थे उसमें आपको हेयर स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था, हेयर थ्योरी के बारे में बताया गया था, और उसके बाद आपको बताया गया था कि हमारे बालों में प्रोटीन, मिनरल्स और पिगमेंट वगैरह जो है होते हैं वो उनकी परसेंटेज बताई गई थी कि हमारे बाल बेसिकली किस चीज़ से बना हुआ है। तो अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो डिटेल है वो है हेयर बॉन्ड्स पे। आज आपको हेयर बॉन्ड्स का बताया जाएगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है वीडियो का, लेक्चर का, तो इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा क्योंकि बेसिकली ये हमारा एरिया ऑफ वर्क है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि बॉन्ड्स क्या है, ठीक है, हेयर बॉन्ड्स क्या है। तो बेसिकली जो हेयर बॉन्ड्स हैं ये अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। ये जो बॉन्ड्स होते हैं, अगर आपने रिबॉन्डिंग का वर्ड पढ़ा हो, रिबॉन्डिंग, इसमें देखें री का मतलब होता है किसी भी चीज को दोबारा से कह लें कि रिपीट करना या दोबारा से बनाना। हमारा आधे से ज्यादा आंसर हमारे रिबॉन्डिंग के नेम में ही हमें पता चल जाता है। जैसे केराटिन ट्रीटमेंट है तो उसमें हमें पता चल जाता है कि केराटिन ट्रीटमेंट में क्या होगा, हमारा बाल जो है 80% अगर केराटिन से बना हुआ है तो जो केराटिन ट्रीटमेंट है मतलब कि उससे हमारे बालों में केराटिन को डिपॉजिट किया जाता है। केराटिन को हमारे बालों में डिपॉजिट करके तो हमारे बालों का ट्रीटमेंट करके उसको रिकवर किया जाता है। सेम इसी तरह हमारा जो रिबॉन्डिंग है, रिबॉन्ड यानी कि हमारे जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़कर दोबारा से केमिकल से जोड़ा जाता है, इसको केमिकल स्ट्रेटनिंग भी बोलते हैं, एज आई डिस्कस्ड इन माय फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे देखें कि हम बॉन्ड्स के ऊपर बात कर रहे हैं, मतलब कि हम एरिया ऑफ वर्क पे बात कर रहे हैं। तो बॉन्ड्स बेसिकली क्या चीज है, ये अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं जिसको हम सस्टेन भी बोलते हैं, ठीक है। अब अमीनो एसिड्स या बॉन्ड्स क्या काम करते हैं, ये हमारे हेयर के स्ट्रक्चर को टेक्सचर को और हमारे जो बालों की कह लें स्ट्रेंथ है उसको डिसाइड करते हैं। तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारे हेयर के स्ट्रक्चर को, टेक्सचर को और इसकी स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं कि हमारे बालों में इलास्टिसिटी कितनी होगी, हमारे बालों का जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो कितनी होगी और हमारे बालों का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। तो ये क्या चीज़ डिसाइड करती है, ये हमारे अमीनो एसिड्स या हमारे बॉन्ड्स डिसाइड करते हैं। तो आप देखते हैं कि हमारे जो बॉन्ड्स हैं वो कितने टाइप के हैं। हमारे हेयर में जो बॉन्ड्स होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो हमारा होता है वो है सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड है ये सॉल्ट बॉन्ड है, जो सेकंड है वो हमारा हाइड्रोजन है, और जो थर्ड हमारा है वो डाई सल्फाइड बॉन्ड है, ठीक है। हमारे हेयर में तीन टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, फर्स्ट हमारा सॉल्ट होता है, सेकंड हमारा हाइड्रोजन होता है और थर्ड जो होता है वो हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। तो अब हम इनमें ये जो बॉन्ड्स हैं इनको डिस्कस करते हैं क्योंकि हमारा, जैसे मैंने पहले कहा, हमारा एरिया ऑफ वर्क ही बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड्स है हमारा एरिया ऑफ वर्क। और आपको रिबॉन्डिंग के नाम से भी पता चल जाएगा कि हमने किस चीज पे काम करना है, रिबॉन्डिंग में बॉन्ड्स पे काम करना है। तो आप देखें ये जो फर्स्ट दो बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन और साल्ट बॉन्ड्स हैं, ये जब हम रिबॉन्डिंग करते हैं, जिन बालों पे हमने रिबॉन्डिंग करनी होती है, ये मेन रोल प्ले करते हैं इलास्टिसिटी चेक करने में, ठीक है। हमारा जो हाइड्रोजन या साल्ट बॉन्ड्स होते हैं ये बबल्स की तरह होता है हमारे बालों में, इजीली ब्रेकेबल होते हैं,
किस चीज से ब्रेक हो जाते हैं ये ब्रेक होते हैं हीट से प्लस वाटर से, ठीक है। इन दोनों बॉन्ड्स को हम इजीली ब्रेक कर लेते हैं, ये इजीली ब्रेकेबल होते हैं, ये हीट और वाटर से इजीली फाउंड हो जाते हैं कि ये कहाँ पे हैं। ये ज्यादातर पाए जाते हैं आपके हेयर के सेकेंड लेयर में, और सेकेंड लेयर कौन सी थी याद होगा अगर आपको, तो हमारी जो सेकेंड लेयर थी वो कॉर्टेक्स थी, क्योंकि हमारा जो एरिया ऑफ वर्क है वो हमारा हेयर के कहने के लेयर्स में, अगर लेयर्स को देखा जाए तो सेकंड था कॉर्टेक्स था, और डेफिनेटली जो बॉन्ड्स होंगे वो कहाँ में पाए जाएंगे, सेकंड लेयर में पाए जाएंगे ना, क्योंकि हमारा जो लेयरिंग के हिसाब से एरिया ऑफ वर्क है वो हमारा सेकंड लेयर है। तो एक कॉमन सी चीज है कि हमारे जो बॉन्ड्स होंगे वो भी सेकेंड लेयर में होंगे। तो ये जो सॉल्ट और हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ये सेकेंड लेयर में होंगे। अब देखें कि ये टेम्पररी बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे हेयर को टेम्पररी जो स्टाइलिंग होती है वो देते हैं। जब हम देखते हैं कि जब हम रिबॉन्डिंग करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने बालों को चेक करते हैं, उनकी इलास्टिसिटी चेक करते हैं कि हमारा जो ये प्रोसेस होगा, ये जो ट्रीटमेंट होगा वो इन बालों के लिए सूटेबल है या नहीं है, ठीक है। आपको आइडिया हो गया कि हम इन दोनों बॉन्ड्स को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने जिस हेयर पे काम करना है हमने चेक करना है कि जो ट्रीटमेंट हम इस हेयर पे करने जा रहे हैं वो इसके लिए सूटेबल है या नहीं है। अगर बालों का बॉन्ड, ये बॉन्ड्स ऑलरेडी टूटे हुए होंगे, ब्रेक होंगे, बहुत ज्यादा डैमेज बाल होंगे, तो हमें चेक करना है कि उन बालों में इलास्टिसिटी कितनी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, हमने ये चीजें चेक करनी है। और ये चीजें किस चीज से चेक होंगी, किन से चेक होंगी, ये सॉल्ट से और हाइड्रोजन बॉन्ड से चेक होंगी। तो फर्स्ट हमारा जो स्टेप होगा, हम बालों को, बालों के टेक्सचर को, बालों के स्ट्रेंथ को, बालों की इलास्टिसिटी को हम चेक करेंगे हीट से या वाटर से। अब वाटर से चेक करेंगे, यहाँ पे हम कोई भी केमिकल प्रोसेस नहीं करते हैं, इन दोनों बॉन्ड्स पे हम कोई भी केमिकल प्रोसेस नहीं करते। जो हम केमिकल प्रोसेस करते हैं वो हम करते हैं डायसल्फाइड बॉन्ड पे केमिकल प्रोसेस करते हैं। अब हम डायसल्फाइड बॉन्ड को डिस्कस करते हैं, जैसे हेयर लेयरिंग में हमारा एरिया ऑफ वर्क जो था वो सेकेंड लेयर था, कॉर्टेक्स था, इसी हवाले से बॉन्ड में जो हमारा एरिया ऑफ वर्क होगा वो डायसल्फाइड बॉन्ड होगा, ठीक है। डायसल्फाइड बॉन्ड हमारा बॉन्ड्स में एरिया ऑफ वर्क होगा। इस चीज पे हम डिस्कस करते हैं कि जो डायसल्फाइड बॉन्ड होते हैं ये इजीली ब्रेकेबल नहीं होते हैं, पहली चीज कि ये इजीली ब्रेकेबल नहीं होते हैं। दूसरी चीज, हमारे हेयर के जो परमानेंट स्ट्रक्चर होता है ये उसको डिसाइड करता है कि हमारा परमानेंट स्ट्रक्चर जो बालों का है वो कैसा होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो बाल बहुत ज्यादा वेवी होते हैं, बहुत ज्यादा कर्ली होते हैं, वो क्यों होते हैं, वो हमारे डायसल्फाइड बॉन्ड की वजह से होते हैं। अगर किसी बाल में डायसल्फाइड बॉन्ड अनइवनली जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन उनकी हुई भी होती है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, तो हमारा बाल कर्ली हो जाता है। जब हमारा बाल, हमारे बालों में डायसल्फाइड बॉन्ड जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हमारा बाल सिल्की और स्ट्रेट होता है। हमारे बालों की जो टाइप्स हैं उसमें आ जाता है आपका स्ट्रिक स्ट्रेट आता है, स्ट्रेट आता है, वेवी आता है, एक्स्ट्रा वेवी आता है, और उसके बाद आपका आ जाता है जो बाल होता है वो बहुत ज़्यादा, जैसे नाइग्रो हेयर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर्स होते हैं, वो आ जाते हैं। तो ये हमारे हेयर की टाइप्स हो गई। अब जब हमारा बाल स्ट्रेट होता है, नेचुरली स्ट्रेट होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो डायसल्फाइड बॉन्ड होता है वो इवनली उसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ होता है। हमारा जो कर्ली बाल होता है, वेवी बाल होता है, उसमें हमारा डायसल्फाइड बॉन्ड इजीली इवनली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ हुआ होता। तो हमने क्या करना होता है, हमने केमिकल प्रोसेस के साथ हमने उसके साथ हमने इसको जो है
इसको ब्रेक करना होता है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होंगी, आप किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट ले लें, आप इसकी लॉरियल की ले लें, आप उसके बाद क्यूने की ले लें, आप रिमोट की ले लें, आप किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट ले लें, जो रिबॉन्डिंग के लिए, ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई भी है। तो वो जो फर्स्ट क्रीम हमारी होती है वो क्या करती है, आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करती है, ठीक है, ब्रेक करती है। ब्रेक करने के बाद क्या करती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है इवनली। आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड को क्या करती है, ब्रेक करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है इवनली, और उसके बाद जो है वो आपका बाल परमानेंट स्ट्रेट हो जाता है जब आप फिक्सचर यूज करते हैं उसके ऊपर। यहाँ तक समझ आ गई, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं कि हमारा एरिया ऑफ वर्क क्या है, बॉन्ड्स क्या काम करते हैं, बॉन्ड्स कितनी टाइप के होते हैं, और हमारे जो बॉन्ड्स में एरिया ऑफ वर्क है वो क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। तो हमने हेयर स्ट्रक्चर और इन सारी चीजों को कर लिया है डिस्कस। तो उम्मीद करती हूँ जब आप इस चीज को समझ के काम करेंगे, आप बालों के टेक्सचर को, स्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथ को समझ लेंगे, तो आपके लिए क्या चीज हो जाएगी, इजी हो जाएगा कि आपने उन बालों पे कौन सी वाली प्रोडक्ट यूज करनी है। अगर बाल बहुत ज्यादा कमजोर हैं तो माइल्ड यूज कर लें, ठीक है। बाल नॉर्मल हैं तो आप उनकी नॉर्मल प्रोडक्ट यूज कर लें। अगर बाल बहुत ज्यादा वाले करनी है तो आप जैसे क्यूने की एक्स्ट्रा फोर्ट है या बाकी कंपनीज की एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग जो है वो प्रोडक्ट है, आप वो यूज कर लें, ठीक है। यहाँ पे आपको इजीली समझ आ जाएगी कि अब आप उस बाल पे कौन सी वाली प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर हो जाता है कंप्लीट रिबॉन्डिंग के बारे में, कि रिबॉन्डिंग बेसिकली है क्या चीज़ है, करती क्या है, और बाकी जो आ जाती है प्रोडक्ट नॉलेज आ जाता है या प्रोडक्ट आफ्टर प्रोडक्ट केयर जो आ जाती है, इन सारे टॉपिक्स पे नेक्स्ट मैं वीडियोस अलग से बनाऊंगी। और जो बहुत ज़्यादा आपके कॉमन क्वेश्चंस होते हैं रिबॉन्डिंग से रिलेटेड, आफ्टर केयर से रिलेटेड या बिफोर जो रिबॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उनका एक अलग जो है वो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूंगी। उसके साथ साथ जो है वो एप्लीकेशन की जो टेक्निक्स हैं एरिया ऑफ वर्क प्रोडक्ट के हवाले से जो है, इसके ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं अपने चैनल पे, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी और ऊपर आइकन भी में भी शो हो जाएगा, तो ये आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।